छठी कक्षा में आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या है? ए बी रेखा पर दिए बिंदु पी से लंब उठाओ जो रेखा के लगभग अंतिम सिरे पर दिया हो। तो हम क्या करेंगे, दी हुई हमारे पास क्या है, ए बी रेखा है। ये कह रहा है कि ए बी रेखा पर दिए बिंदु पी, तो हम यहाँ पे ए बी रेखा ले लेते हैं। ये हमारा ए और बी रेखा है। ये कह रहा है कि दिए हुए बिंदु ए बी पर पी पॉइंट है, ये हम पी, और ये अंतिम सिरे पर है, तो यहाँ हम नाम दे देंगे पी। हम क्या करेंगे, पी बिंदु पर जो है वो यहाँ से लंब उठाएंगे। तो मैंने बताया था लंब हमेशा 90 डिग्री का ही होता है, तो हम यहाँ से 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, ऐसे चाप लगाएंगे, और यहाँ पे हम उस चाप का नाम दे देते हैं आर। आर हम क्या करेंगे, जितनी प्रकार हमने आर से पी खोली हुई है इतनी प्रकार खोल के हम आगे चाप लगा देंगे। इस चाप का नाम हम दे देते हैं के। अब हम इतनी प्रकार खोल के फिर यहाँ ये देखो के पॉइंट पर हम प्रकार रखेंगे और अगली चाप लगा देंगे। इस चाप का नाम हम दे देते हैं एस। अब हम क्या करेंगे कि एस पर प्रकार रखेंगे, ये के जितनी प्रकार ही है, और आगे को चाप लगा देंगे और के पॉइंट प्रकार रखेंगे और इसको ऐसे काट देंगे, और यहाँ से हम जो है वो लंब खींच देंगे। तो ये जो हमारा है प्रश्न बन के तैयार हो गया है। ये हमारा बना है ए बी रेखा पर दिए बिंदु सी, सॉरी दिए बिंदु पी जो कि सिरे पर दिया हुआ है। ये है प्रश्न नंबर 3। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ये सारा प्रश्न जो है यहाँ पे बना हुआ आपको दिख रहा होगा। चौथा प्रश्न आपका है, ए बी रेखा के बाहर दिए बिंदु सी से लंब गिराओ जो रेखा के लगभग सिरे पर हो। तो हमने क्या करना है, हम सबसे पहले ए बी रेखा ले लेंगे। ए बी रेखा के सिरे पर बिंदु है बाहर दिया हुआ सी, तो आपने क्या करना है, ये लंब गिराना है। तो हम क्या करेंगे, बी पर प्रकार रखेंगे, बी पॉइंट पर, बी नाम पर नहीं पॉइंट पर, और सी जितनी प्रकार खोल के हम यहाँ से चाप लगा देंगे ऐसे, ये देखिए। और हम क्या करेंगे, फिर ए पर प्रकार रखेंगे, ए पॉइंट पर, और यहाँ से सी जितनी प्रकार खोलेंगे, यह ए पॉइंट था ना हमारा, यहाँ प्रकार खोलेंगे और हम यहाँ से इस चाप को ऐसे लगाएंगे जहाँ पे नीचे चापे हमारी पड़ रही है, ये देखिए। यहाँ हम पॉइंट का नाम दे देते हैं डी। हम क्या करेंगे, सी और डी को आपस में मिला, और हम इसको ए बी तक डार्क बनाएंगे। ये यहाँ से नीचे हम इसको डॉटेड लाइन लगा देंगे जहाँ ये मिल रहा है, इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं इस। तो ये हमारा ए बी रेखा के बाहर दिए बिंदु सी से हमने लंब गिरा दिया है। ये आपका प्रश्न कंप्लीट हो गया है, स्क्रीन पे भी देख सकते हैं इसी तरह का बना। गृह कार्य में आपने दोनों प्रश्नों को अपनी ड्राइंग शीट पर सफाई के साथ बनाना।